स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? ए सीजर सेन गुप्ता, बी प्रभु सेन गुप्ता, सी रजिया सेन गुप्ता या डी सुल्तान सेन गुप्ता। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर हाई कोर्ट के खंडपीठ की स्थापना को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कवायद की तेज। भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है। एक बार फिर से भागलपुर के अधिवक्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर सुग बुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। पत्र में भागलपुर में खंडपीठ स्थापना को जरूरी बताया है। खंडपीठ को लेकर मांग उठने लगा है, आपकी तरफ से क्या मांग? बहुत काफी दिनों से कुछ न्यायालय खंडपीठ भागलपुर में होना बिल्कुल बहुत जरूरत है। मैंने पत्र भी लिखा है मुख्य न्यायाधीश को भी और लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि यहाँ 10-12 जिला के लोग जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो पटना नहीं जा सकते, उनमें पैसा नहीं है, उनको न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए निश्चित तौर पर भागलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पत्र के द्वारा आग्रह किया हूँ और मैं मिल के भी लॉ मिनिस्टर से बात करूँगा कि ये बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत दिनों से ये मांग उठ रही है सर। पहले भी नहीं, बहुत दिनों, मतलब हमको लगता है कि 15-20 वर्षों से मांग उठ रहा है। और जो उस समय के विधायक थे आदरणीय अश्विनी चौबे जी और वो लोग भी शायद दिए थे, जैसा मुझे खबर है, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। पता नहीं भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। भागलपुर उप राजधानी बनना चाहिए। अगर आप देखेंगे टैक्स के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, तो पटना के बाद ये भागलपुर है। और यहाँ से 10-12 जिला के लोग इलाज कराने आज भी एम्स में आते हैं, कोई ध्यान नहीं। हवाई सेवा शुरू करने की मैं मांग करता हूँ, वह नहीं होता है। और जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होगा तब तक बड़े इंडस्ट्री साइकिल कारखाने नहीं लगाएंगे। पता नहीं क्यों भागलपुर के साथ है। इसलिए उच्च न्यायालय खंडपीठ होना चाहिए, जनता की मांग है, सारे वकीलों का मांग है और जनहित में यह बहुत जरूरी है। भागलपुर, वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात को भागलपुर पुलिस ने धर दबोचा। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने कई संगीन मामलों के कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर की सीनियर एसपी नीता सागुड़िया ने बबरगंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम तैयार की गई, जिसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर टीम का नेतृत्व EIU प्रभारी कौशल भारती के नेतृत्व में की गई। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इजहार को उसके ससुराल से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध मोजादीपुर, बबरगंज सहित कई थाने में कई मामले दर्ज हैं। जो बहुत समय से फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी कल हम लोगों ने जो है हुसैनाबाद मुगलपुरा थाना बबरगंज से किया गया है। ये हमारे कई कांडों में फरार चल रहा था और फरार दिखाते हुए जो है आर्म्स एक्ट के केसेस में इसको जो है हम लोगों ने आरोप पत्रित भी किया है और इसकी गिरफ्तारी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भागलपुर जिला के लिए है। कितने मामले इसके ऊपर? कुल 7 मामले हैं। हथियार भी बरामद? हाँ, इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। भागलपुर के नाथनगर में पागल बंदर ने मचाया आतंक।
30 लोगों को काट कर किया घायल, डर के मारे घर में छिप रहे ग्रामीण। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत स्थित भीमकिता गांव में बुधवार की सुबह एक पागल बंदर ने कई लोगों को काट कर घायल कर दिया। वहीं बताते चलें कि 30 से ज्यादा लोगों को काट कर घायल कर दिया गया है। सरपंच पप्पू ताती ने बताया कि सुबह 4 बजे से बंदर का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा और बंदर ने छोटे बच्चे समेत लड़कियों व अधेड़ों को ज्यादातर काटा है। बुधवार सुबह से दर्जनों ग्रामीण हाथ में डंडा व भाला लेकर बंदर को भगाने में जुटे हुए थे। नाथनगर प्रखंड के बाहरी तरफ बसे गांव बाईपास किशनपुर के बाहर तक लोगों ने बंदर को खदेड़ते हुए भगाया। देख बाबू, पूरा मुंह ही था। कौन काटा? बंदर काटा। जोर से बोलो, बंदर। कुमार जो कि कल से पूरा गांव परेशान है एक बंदर के कारण, लगभग 30 आदमी को अभी तक में काट चुका है और इतना जोर से काटा जाता है गुद्दी तक बाहर हो जाता है। मैं वन विभाग से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके इस बंदर को काबू में किया जाए। पूरा गांव परेशान है, पूरा पंचायत परेशान है। लगभग आज सुबह की बात है कि 15 आदमी को मेरे आंखों के सामने काटा गया और इतना ज़ोर से काटता है कि लोग गुद्दी तक बाहर कर देता और बेहोश तक हो जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से और वन विभाग के अधिकारी से कि जितना जल्द हो सके इस बंदर पे काबू पाने का कृपा किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार वा, कंझावासी हूँ और सुबह से मैं पूरे समाज के नवयुवक लगे हुए हैं बंदर को भगाने के चक्कर में, लेकिन दूर भगाता हूं, फिर लौट करके आ जा रहा है। परेशान हो चुका है और कल से परेशान हो चुका है, आज से नहीं कल से ही, और घर में घुस करके काटने का काम किया जा रहा है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के रंगरा में अभाविप ने मनाया बलिदान दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विस्तार केंद्र रंगरा में बलिदान दिवस मनाया गया। अभाविप विस्तार केंद्र रंगरा के कार्यकर्ता अनुराग कुमार आर्य ने बताया कि बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अभाविप के अनु चौरसिया ने बताया कि बलिदान दिवस पर हम सभी को मन और दिल को उत्साहपूर्ण भर देती है और मन में देश के प्रति देशभक्ति जगा देती है। वहीं मौके पर अभाविप के अनुराग कुमार आर्य, समाज सेवी प्रियतोष सिंह, श्रवण सुजीत बादल, मणि कुमार, पेचन कुमार, सूरज कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नवगछिया के रंगरा में 70 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। रंगरा में मंगलवार को कुल 70 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा के पीएससी प्रभारी ने कहा कि वर्तमान में सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड क्षेत्र के पेंशनरों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद पेंशनरों को आधे घंटे तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जा रहा है। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए, सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया के रंगरा में मिला एक कोरोना संक्रमित। नवगछिया के रंगरा में भी कोरोना संक्रमण के मामले में इन दिनों अधिकता देखी जा रही है। मंगलवार को रंगरा पीएचसी में किए गए कुल 100 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। जानकारी देते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि प्रखंड क्षेत्र के सभी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई। ढोल बज्जा के भगत सिंह चौक पर मनाया बलिदान दिवस। नवगछिया प्रखंड के कोसीपार ढोल बज्जा के शहीद भगत सिंह चौक पर वहां के समाज सेवियों व अन्य गणमान्य लोगों ने महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस मनाया, जहां सभी ने पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद व बुद्धिजीवियों ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने आज ही के दिन फांसी दी थी। इन तीनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन यानी हुकूमतों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर बिल के विरोध में इनके द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई थी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सरकार, अर्जुन यादव, जिला पार्षद नंदिनी सरकार, कुमार रामानंद सागर, समाज सेवी विनीत आनंद, श्यामा स्वर्णकार, मनोज कुमार मतीश, एस सुशांत, शंभु सुमन, प्रशांत कुमार कन्हैया, कमलेश्वरी पंडित, सुभाष शाह, दुग्भंजन कुमार, अमित आनंद, संतोष स्वर्णकार, पंकज राम, शशि पोदार, प्रदीप शाह, मनोज राम, रंजीत राम, राजीव कुमार व छोटू स्वर्णकार के साथ अन्य लोग मौजूद थे। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने, राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन आज से, फाइनल मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन। नवगछिया बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर मंगलवार को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचित पदाधिकारी सह वरीय अधिवक्ता रामजी मिश्रा ने किया। निर्वाचित पदाधिकारी ने संघ के कुल 510 मतदाता का नाम मतदाता सूची में प्रकाशित किया। निर्वाचित पदाधिकारी रामजी मिश्रा ने बताया कि बुधवार 24 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। इन दोनों तिथि में 11 बजे से 4 बजे तक विभिन्न पदों के अभ्यर्थी निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को स्क्रूटनी एवं उसी दिन नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 27 मार्च को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। मालूम हो कि नवगछिया बार एसोसिएशन में कुल 30 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें अध्यक्ष के 1 पद, महासचिव के 1 पद, उपाध्यक्ष के 3, संयुक्त सचिव के 3, सहायक सचिव के 3, कोषाध्यक्ष के 1, अंकेक्षक के 2, निगरानी समिति के 3, पुस्तकालय समिति के 1, कार्यकारिणी सदस्य के 7 और वरीय कार्यकारिणी समिति के 5 पदों के लिए चुनाव होना है। नवगछिया, मिट्टी काटने को लेकर हुई थी मारपीट, नहीं मांगी गई थी रंगदारी। जानवी चौक से इस्माइलपुर के बीच बनने वाली रिंग बांध के निर्माण का कार्य में संवेदक से 50,000 की रंगदारी मांगे जाने की बात को इस्माइलपुर पुलिस ने खारिज कर दिया। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष प्रेम शाह ने कहा कि रंगदारी मांगने की बात गलत है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में मिट्टी काटने वाली पोकलेन दियरा में होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई थी। दूसरे दिन मिट्टी काटने को लेकर पोकलेन चालक और ट्रैक्टर चालक के साथ 4-5 लोगों ने मारपीट की, लेकिन लोगों के जमा होने पर सभी वहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि संदर्भ में संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया। वहीं निर्माण कार्य करा रहे कैलाश सिंह ने कहा कि रंगदारी जैसी कोई बात नहीं हुई थी। दियारा में मेरे द्वारा बांध मिट्टी ढालने के लिए जो मिट्टी खरीद की थी, वहां पर पोकलेन व ट्रैक्टर लगी थी, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया था। सुबह में 5-6 लोग आकर पोकलेन चालक को गाली गलौज करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को दी गई। इसके बाद पदाधिकारी व पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद कैंप से लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सभी वहां से चले गए थे। उन्होंने कहा कि रिंग बांध का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों की मंशा कुछ पैसे ऐंठने की रही होगी, इसलिए ऐसा किया। जबकि अंदर खाने से बात सामने आ रही है कि दो पक्षों में पेटी स्तर से ठेकेदारी को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों के बीच इन दिनों खींचातानी परवान पर है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, संदिग्ध अवस्था में मिले 8 लोगों पर धारा 109 के तहत की गई कार्रवाई। नवगछिया रंगरा के सधुआ गांव में एक निर्जन बासा पर संदिग्ध अवस्था में देखे गए कुल 8 लोगों पर दंड प्रावधान संहिता की धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई।
थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि सभी 8 लोग सदुआ गांव के ही रहने वाले हैं। निर्जन स्थान पर संदिग्ध अवस्था में देखे जाने पर जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, तो किसी ने उक्त स्थल पर एकत्रित होने का सटीक जवाब नहीं दिया। इसी कारण सभी लोगों पर कानूनन कार्रवाई की गई। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें MSWTBihar.com पर।